हेलो नमस्कार आदाब सलाम सतरीकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग मित्रों। आज के इस वीडियो में हम सबसे खतरनाक सबसे भयावह सबसे भयानक ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर लगभग मैंने 3 साल के अंदर में हजारों कुंडली देखी जिसमें हमने पाया ज्यादातर लोग जो परेशान थे वो केवल और केवल राहु ग्रह के कारण परेशान थे जो कि छाया ग्रह है जिसका बताया जाता है कि अपना अस्तित्व ही नहीं है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा परेशान वही लोग वही व्यक्ति वही ग्रह करता है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है जिसका अपना कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं होता है। तो राहु भी ठीक उसी प्रकार का ग्रह है। मित्रों जब भी आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है राहु की अंतरदशा चल रही है राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है राहु की सूक्ष्म दशा चल रही है अथवा जिस वक्त भी आप पर में राहु की दृष्टि पड़ रही है आपको मैं बता दूं कि वो वक्त वो समय आपके जीवन का सबसे बुरा समय कहलाता है। राहु की महादशा जब चलती है अथवा राहु की अंतरदशा जब चलती है तो क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके कुंडली में अगर आपके पास कुंडली है अगर राहु की महादशा चल रही है तो आप अनुभव करेंगे देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके बिजनेस का ग्राफ ये था वो धीरे 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 यानी कि 100 से 0% पर में उसका ग्राफ जो है आ जाता है। आपका बिजनेस चलना धीरे धीरे बंद कर देता है आपको लगता है कि अब मेरा बिजनेस डूब चुका है। और यहां तक नहीं ज्यादातर लोगों का बिजनेस राहु के महादशा में राहु के अंतरदशा में डूब जाता है ऐसा अनुभव किया हुआ ये परम सत्य है। इतना ही नहीं राहु की जब महादशा चलती है और अगर कोई वो विद्यार्थी है तो उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। वो अगर उस समय में कोई रिजल्ट आने वाला है तो अगर विद्यार्थी बहुत ब्रिलियंट है तब तो वो अच्छा परिणाम देगा नहीं तो वो फेल कर जाएगा पास भी नहीं करेगा। वो राहु का ये परिणाम है। राहु के महादशा अथवा अंतरदशा में आप देखेंगे कि आप पर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां जो है आपके सामने आती रहेंगी आप पर में कलंक लगेगा आप पर में झूठी झूठी बातें आपके बारे में चारों तरफ की जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं वाकई में इतना बुरा हूं क्या मैं इतना बुरा हूं मैंने तो कुछ किया ही नहीं फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं अक्सर हमने सुना है कि दिल के साफ है मन साफ है कुछ नहीं हो पाएगा सब ठीक रहेगा भगवान की कृपा रहेगी लेकिन आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया कि ग्रह बड़ा है अथवा देव बड़ा है। क्योंकि जब ग्रह भगवान शिव पर में भी हावी हो गया था शनि तो भगवान शिव को भी रूप बदल करके भागना पड़ा था। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिस पर में ग्रह की अगर क्रूर दृष्टि पड़ जाती है क्रूर अवस्था में आ जाता है तो देवता को भी जगह छोड़ करके भागना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग तो मनुष्य हैं तो राहु के दशा में पहला ये हुआ परिणाम कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा बिजनेस डूब जाएगा। दूसरा अगर आप विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई आपका नहीं हो पाएगा या तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा अथवा या आप पढ़ना छोड़ देंगे अथवा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फेल कर जाएंगे अथवा आप बहुत ब्रिलियंट है आपने बहुत मेहनत की है तो आपकी इच्छा के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाएगा। तीसरा राहु की जब महादशा चलती है तो ज्यादातर लोग यानी कि 95-99% लोग गलत चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं जैसे दारू शराब बीड़ी गांजा भांग सिगरेट यानी कि राहु जो है उनको अपने गिरफ्त में ले लेता है और उस दशा काल में उस समय में लोग नशा के शिकार हो जाते हैं आदि हो जाते हैं। हर कोई नहीं होता क्योंकि हमने जितनी कुंडली देखी है उसमें से 5 से 10% लोगों को हमने देखा जो उन्होंने नशा नहीं किया लेकिन 95% लोगों ने नशा करना शुरू कर दिया। राहु की ये तीसरी दृष्टि हुई राहु का ये तीसरा परिणाम हुआ। राहु के महादशा में अक्सर आप देखेंगे
कि पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होने लगता है। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर में लड़ाई झगड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है। हमने तो ये अनुभव किया है, ये देखा है, मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये देखा है कि लोगों का तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है। संबंध ऐसे है तो संबंध ऐसे हो जाता है, एक उत्तर की तरफ तो एक दक्षिण की तरफ। एक कहता है कि मैं तलाक दे दूंगा तो दूसरी कहती है कि मैं तलाक दे दूंगा, दोनों के बीच में संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। राहु का ये चौथा दुष्परिणाम है। बहुत सारे लोगों का तो यहां तक कि संबंध खराब हो जाता है और तलाक देना तक पड़ जाता है। और जब राहु की दशा राहु का समय खत्म होता है तो उनका बुद्धि दिमाग जो है सो काम करता है और वो लोग सोचते हैं कि आखिर हमने ये क्या कर दिया। उस वक्त वो पछताते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, राहु का केवल दुष्परिणाम इतना ही नहीं है, राहु के दशा काल में अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े बहुत साधक ज्ञानी ध्यानी बहुत ज्यादा संस्कारी व्यक्ति भी उस दशा काल में अपना उनका कैरेक्टर गिर जाता है। वो लोग उस दशा काल में उनका अलग से अफेयर चालू हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगता है, उसका अलग से लव अफेयर चालू हो जाता है और वो लोग उस समय में बर्बाद हो जाते हैं, उन पर में अलग अलग कलंक लगना शुरू हो जाता है। ये सब राहु का दुष्परिणाम है। मित्रों, राहु अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो आपके मस्तिष्क पर में वो बैठा हुआ है, आपके मस्तिष्क को ही भ्रमित कर देता है, आपका दिमाग बुद्धि काम करना बंद कर देता है, प्रत्येक काम आपका रुक जाता है, आपके कार्य में बाधा आने लगती है। इतना ही नहीं, राहु अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपकी विवाह जल्दी नहीं हो पाएगी, आपके विवाह में विभिन्न प्रकार की अड़चने आएंगी। इतना ही नहीं, आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो सकता है, अगर महिला है तो ब्रेस्ट से संबंधित कोई रोग हो सकता है, पुरुष है तो हार्ट से संबंधित रोग हो सकता है, महिला को भी हार्ट से संबंधित रोग हो सकता है, ये घुटना में नी में उसको परेशानी हो सकती है। अगर राहु आपके नवम भाव में बैठा हुआ है तो जंघा आपका टूट सकता है कभी एक्सीडेंट में, इस प्रकार का राहु का जो है सुदृष्टि। अगर प्रथम भाव में या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आप ये लिख के ले लें कि आपका मैरिड लाइफ जो है सो कभी भी सुखी नहीं रहेगा, हमेशा आप परेशानी में रहेंगे, परेशान रहेंगे और सुखी दाम्पत्य जीवन आप कभी भी नहीं निभा सकते। वैसे राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर अशुभ घर में बैठा हुआ है तो वो कुछ अच्छा परिणाम देता है। जैसे कि अशुभ घर कौन सा है, जैसे कि बारहवें घर में जो खर्च का हानि का घर है उसमें बैठा हुआ है तो आपको कुछ अच्छा परिणाम दे देगा। जैसे कि छठे घर में बैठा हुआ है दुख कष्ट रोग पीड़ा के घर में तो उसमें कुछ आपको अच्छा परिणाम दे देगा, ऐसा कहा जाता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वैसे अष्टम भाव तो मृत्यु का घर होता है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी राहु कुछ अच्छा परिणाम दे देता है। अगर राहु और केतु के अंदर में आपके कुंडली में सारा ग्रह अंदर में अगर एक साइड किसी भी साइड दाहिने साइड बाएं साइड ऊपर अथवा नीचे कैद हो रखा है तो उसका आपके कुंडली में काल सर्प दोष कहते हैं, जो कि मेरे कुंडली में है और काल सर्प दोष के कारण वो व्यक्ति कभी भी जीवन में जितना ग्राफ उसको चाहिए उतना ग्राफ उसको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो काल सर्प दोष के निवारण के लिए ये जो आप मेरे हाथ में अंगूठी देख रहे हो अभी, ये हमने अभी काल सर्प दोष के निवारण के लिए बनवाया है, ये पंच धातु का है, इसमें सोना चांदी तांबा लोहा और पीतल ये पांच प्रकार का धातु मिला हुआ है और उसके बाद इसको बनवाया गया है। तो इसके बाद फिर आपका सुधार रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको राहु के बारे में केवल 5% बातें बताई हैं, राहु के बारे में 95% बातें और भी है जो इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, लेकिन ये जो अभी हमने आपको बताया लगभग 90-95% लोगों के साथ राहु के समय में ऐसा ही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि राहु के दशा काल में क्या होता है, राहु का जब वक्त चलता है तो क्या होता है, अथवा आपके पास अगर कुंडली नहीं है और आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप समझ लें कि आप पर में राहु की दृष्टि पड़ चुकी है, राहु आप पर में विराजमान है। इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।